मुल्तमिस हूँ चेयरमैन वापटा इज़्ज़त माप लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड सज्जाद गनी साहब से कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपने ख्यालात से हाज़रीन को नवाजें। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। मैं अपने आप को आप सब लोगों के दरमियान आज पाकर बहुत खुशी और फ़ख्र महसूस कर रहा हूँ। गुज़रते माहों साल के साथ, दहाइयों के साथ, जिस तरह पाकिस्तान ने अपनी तरक्की का सफ़र जारी रखा, इसी तरह वापडा ने भी अपनी तरक्की का सफ़र जारी रखा। मुसलमानों ने के सुनहरे अदवार वो थे जब मुसलमान तालीम और साइंस में आगे थे, जब वो दुनिया में अलूम हाज़िर के माहिरीन थे। मेरी ये ख्वाहिश होगी कि वापडा का अपना एक सेंटर ऑफ एक्सेलेंस हो, वापडा की अपनी इंजीनियरिंग कॉलेज हो या अपना इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी हो, वापडा अपने पीएचडी डॉक्टर्स प्रोड्यूस करें। और आज जो हम अपने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए दुनिया से कंसल्टेंट लेते हैं, तो मेरी ख्वाहिश होगी कि दुनिया पाकिस्तान की तरफ देखे, डैम्स की कंसल्टेंसी के लिए, हाइड्रोलिक्स की कंसल्टेंसी के लिए और दूसरे उन साइंसी अलूम के लिए जिनका हमारे पास बुनियादी ढांचा मौजूद है। मुल्क के छोटे छोटे इदारे हैं, सरकारी इदारे हैं, जिन्होंने आपस में मिल के अपनी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ बना रखी। और मेरी ये ख्वाहिश होगी कि आइंदा चंद सालों में जो लोग रिटायरमेंट पे जाने वाले होंगे, वो उनकी वेलफेयर का काम शुरू हो सके। मुझे उम्मीद है कि आप मेरा हाथ बनेंगे, आप मेरे बाजू बनेंगे, आप वापडा के सफ़र में सबक रफ्तारी का बायस बनेंगे, आप सब लोग वापडा के एथलीट बनेंगे, आप सब लोग वापडा के नौ भट बनेंगे, आप सब लोग वापडा के अरशद बनेंगे। अल्लाह ताला इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो, मैं आपसे जो अलविदा ही बात करना चाहता हूँ वो ये है, एक सरकारी मामलात हैं उनके लिए मेरी मुआवनत आपको हमेशा से दस्तयाब होगी, लेकिन एक ज़ाती मामलात हैं और वो उस वक़्त जब आप किसी शदीद परेशानी, फैमिली की परेशानी, ज़ाती परेशानी या किसी डिस्ट्रेस में मुब्तला हो, किसी नामुसाइद हालात से मुब्तला हो, तो आपको आप मुझे अब हमेशा अपने साथ पाएंगे, हमेशा मैं आपसे एक टेलीफोन कॉल दूर रहूँगा, आप मेरे दफ्तर में आना चाहेंगे, आपको मेरा दफ्तर खुला हुआ मिलेगा, मैं आपके साथ हर तरह का तावन करूँगा, मैं आपका साथी हूँगा, मैं आपका दोस्त हूँगा, उसके बाद चेयरमैन।